Hi guys, myself Seema Sheldanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about theories regarding origin of life. बच्चों ये सेकेंड लेक्चर होगा यूपीएससी कैटेगरी में और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स डिस्कस कर दिया है थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड सीएससी एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन किस फॉर्म में आए हैं या फिर आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं. यहाँ हम वन बाई वन थ्योरीज देखेंगे. ठीक है, टोटल 7 थ्योरी हमें पढ़ना है. तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इस पार्ट में हम 5 थ्योरी देखेंगे, नेक्स्ट में 6वां देखेंगे और फिर उसके बाद वाले में 7वां. क्वेश्चन किस फॉर्म में आया है उसके लिए आप इसे पहला वाला जो वीडियो लेक्चर नंबर 1 है वहाँ आप जाके डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. तो आइए हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ इवोल्यूशन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें. तो इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली चेंज इन फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओवर जनरेशन. इवोल्यूशन एक ऑर्डरली चेंज प्रोसेस होता है इन फॉर्म ऑफ लाइफ ओवर जनरेशन. जनरेशन बाई जनरेशन ये ऑर्डरली चेंज के फॉर्म में होता है. ड्रिवन बाई नेचुरल सेलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं जो इवोल्यूशन के पीछे काम कर रहा होता है. इट इज़ लॉन्ग टर्म टाइम टेकिंग प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में इवोल्यूशन हो जाता है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी कहा जाता है. नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ये ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ये नहीं होता है. नॉट ऑलवेज लेड अ बेटर फिनोटाइप. जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन के बाद आपको एक बेटर फिनोटाइप ही नेचर सेलेक्ट करता है, कुछ हार्मफुल फिनोटाइप भी सेलेक्ट किया जा सकता है. प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इवोल्यूशन क्या होता है, तो ये एक प्रोडक्ट है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का. नेचर जिसे सेलेक्ट करता है वो सर्वाइव करता है और जो नेचर जिसे सेलेक्ट नहीं करता वो एलिमिनेट हो जाता है. इट एक्सप्लेन्स डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम. ये क्या एक्सप्लेन करता है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह डिफरेंट है, और एडेप्टेशंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहते हैं उसे टाइम टू टाइम अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. तो ये एक्सप्लेन करता है डाइवर्सिटी और एडेप्टेशंस को भी. इट इज़ चेंज इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद टाइम और जेनरेशन. ये जैसे जैसे टाइम आगे की ओर बढ़ता है उस तरह से बिहेवियर में भी चेंज आते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चेंज हमें देखने को मिलता है. तो इवोल्यूशन मतलब ओवरऑल यही है इंट्रोडक्शन छोटा सा. ये एक प्रोसेस है ऑफ ऑर्डरली चेंज इन फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ड्रिवन बाय नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट. इट इज़ लॉन्ग टर्म टाइम टेकिंग प्रोसेस. नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नॉट ऑलवेज लेड अ बेटर फिनोटाइप. प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इट एक्सप्लेन्स डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम. एंड इट इज़ चेंज इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद टाइम और जनरेशन. तो बच्चों आप देख रहे हैं आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको अपना आंसर स्मार्टली लिखना होता है एग्जामिनेशन में. जूलॉजी मीन्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करके आपको सी एस ई का पेपर 250 का होता है और आई एफ एस का 200 का होता है. तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, क्वेश्चन भी मोर और लेस सिमिलर टाइप के आते हैं, बस मार्क्स का डिफरेंस होता है. जहाँ 10 नंबर इसमें आता है सी एस ई में, वहाँ वो 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो आप देख रहे हैं आप इसमें ज़्यादा लैंग्वेज में इज एम आर पे नहीं वो ध्यान दे रही हूँ, सिर्फ जो की वर्ड है उस पर आप ध्यान दीजिए और जो पॉइंटर के थ्रू पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा. इवोल्यूशन एक थ्योरेटिकल पोर्शन है पेपर 2nd का यूनिट 3rd, जिसमें ज़्यादा डायग्राम नहीं है, बट जूलॉजी के एग्जामिनेशन में हाइपोथेटिकल डायग्राम अलाउड होते हैं. तो जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत डायग्राम के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ वहाँ हम डायग्राम भी शो करेंगे और विथ फ्लो चार्ट और पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा. लैंग्वेज बिल्कुल ही बहुत कम होगा. तो चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो स्मार्ट वे में अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किसके बारे में, थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड इवोल्यूशन के बारे में. आइए देखते हैं, ये स्लाइड है लिस्ट ऑफ थ्योरीज रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ लाइफ. कौन कौन से थ्योरी हम देखेंगे, तो सबसे फर्स्ट थ्योरी है आपका थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दूसरा कॉस्मोजोइक थ्योरी, तीसरा थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, चौथा यूनिफॉर्मेशन थ्योरी और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी. वैसे तो बहुत सारे थ्योरी हैं लेकिन जो मेन मेन थ्योरी हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर लिखने के लिए आपको 10 मार्क्स का जो आंसर होता है उसमें 2 पेज मिलता है, जो 15 मार्क्स का होता है उसमें 3 पेज और जो 20 मार्क्स का होता है उसमें 4 पेज. तो आपको जो पेज होता है वो ऐसा नहीं है कि लिखे जा रहे हैं बस लिखे जा रहे हैं, आपका लिमिटेशन होता है कि इतने पेज में ही आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है. तो आप शायद 2017 में एक क्वेश्चन आया है 20 नंबर वाले में, वो अगर आपको इन लिस्ट थ्योरी से रिलेटेड है, इन लिस्ट थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन में 4 पेज का आंसर लिखना होता है. उसमें आपको ये जितने थ्योरी हैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा और मैक्सिमम टाइम आपको थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन
और मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट से है। क्या क्वेश्चन है इसे पहले वाला लेक्चर आप सुनिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसमें वो 15 मार्क्स का होता है या फिर 10 मार्क्स का होता है, तो 2 या 3 पेज में लिखना है, तो इसलिए उसको हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो 4 थ्योरी है और ये 5वां थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन इस पार्ट में हम देखेंगे। 6ठा थ्योरी जो होता है वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उस पर 3 साइंटिस्ट ने काम किया है ये प्रूव करने के लिए कि लिविंग थिंग्स केवल प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स से ही आ सकता है। तो इसमें 3 एक्सपेरिमेंट देखा गया है, किसके किसके द्वारा, तो स्प्लैंजनी और रेडी एंड लुइस पाश्चर के द्वारा। तो एक ही वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। इसमें 5 थ्योरी, उसके बाद वाले में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और उसके बाद वाले में थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट थ्योरी हमारा क्या है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, बच्चों नाम में ही उसका काम छिपा होता है। प्रपोज्ड बाय हेब्रू इट अल, सपोर्टेड बाय फादर सॉरेज। तो आपको पता है जहाँ भी इट अल लिखा होता है मीन्स उनके कुछ फ्रेंड्स भी मिलके काम कर रहे होते हैं। सपोर्ट किन्होंने किया था, फादर सॉरेज ने किया था। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इंटायर यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड बाय अ सुपर नेचुरल पावर गॉड। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो फॉर्म हुआ है किसके द्वारा, सुपर नेचुरल पावर, और वो सुपर नेचुरल पावर क्या है, तो गॉड है, भगवान ने पूरे यूनिवर्स को बनाया है। ठीक है, गॉड क्रिएटेड द इंटायर यूनिवर्स इन 6 डेज, और उन्होंने 6 दिन में इस पूरे यूनिवर्स को तैयार कर दिया है। सो दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज 6 नेचुरल डेज थ्योरी, और इस वजह से हमें इस थ्योरी को 6 नेचुरल डेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट डे क्या किया था, तो सबसे फर्स्ट डे इन्होंने अर्थ और हेवन को बनाया था। सेकेंड डे स्काई का फॉर्मेशन हुआ था। थर्ड डे लैंड एंड प्लांट्स का। फोर्थ डे सन एंड मून का। फिफ्थ डे फिश, और 6th डे आपका एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से 6 नेचुरल डेज थ्योरी के नाम से भी ये फेमस है ये थ्योरी, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इसलिए ये थ्योरी रिजेक्ट कर दिया गया था। बहुत ही सिंपल है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इन्होंने प्रपोज किया था, तो हेब्रू इट अल, और सपोर्ट किन के द्वारा किया गया था, तो फादर सॉरेज के द्वारा। और ये थ्योरी क्या बोलता है कि मतलब इस थ्योरी में क्या हम पढ़ते हैं कि इंटायर यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड बाई अ सुपर नेचुरल पावर, और वो सुपर नेचुरल पावर कौन है, गॉड है, और गॉड ने क्रिएट किया इस पूरे यूनिवर्स को 6 दिन में, पूरे 6 दिन में इस यूनिवर्स को तैयार कर दिया। सबसे पहले दिन में अर्थ एंड हेवन का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड डे स्काई का, थर्ड डे लैंड एंड प्लांट्स का, फोर्थ डे सन एंड मून का, फिफ्थ डे फिश का, और 6th डे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, छोटा छोटा ही, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको थ्योरी का दे रही हूँ, क्योंकि लिमिटेड होता है आपको आंसर लिखना, लिमिटेड वर्ड में, लिमिटेड स्पेस में, तो उसी हिसाब से आपको ये 5ों थ्योरी अगर आप चाहें तो 2 पेज में सम अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट गेन करिए, और अपना सेल्फ नोट्स भी बनाइए। और अगर आपको ये सारे नोट्स का PDF फॉर्म चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूँगी और सारे नोट्स मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। सारा कंटेंट आप ही के लिए है बच्चों। और एक बात और, ये चैनल UGPG के और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू मूव करिएगा। UPSC कैटेगरी का अलग प्लेलिस्ट होगा और BSC MSC वालों का अलग प्लेलिस्ट होगा। और जो बच्चे BSC MSC से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका तो और अच्छी बात है, सो मच सो गुड। बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ कॉन्सेप्ट आपको जूलॉजी से रिलेटेड जितना भी सिलेबस में है मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये हो गया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा थ्योरी आ जाइए, क्या है, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑल्सो नोन एज पैनस्पर्मिया थ्योरी। पैनस्पर्मिया मीन्स क्या होता है, सीड्स एवरीवेयर, प्रपोज्ड बाय रीचर एंड स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय आर्हेनियस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो सीड्स हैं, मे हैव रीच्ड अर्थ फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज। ये जो सीड है वो इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया, किन के द्वारा, रीचर के द्वारा, और स्ट्रांगली सपोर्ट किन के द्वारा ये थ्योरी किया गया, तो आर्हेनियस के द्वारा। उन्होंने बोला कि ये जो सीड्स है वो चारों तरफ यूनिवर्स में फैला हुआ है, और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मे हैव रीच्ड द अर्थ फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज। एक्स्ट्रा मीन्स अलावा, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, तो लैंड के अलावा जो भी सोर्सेज हैं उसके थ्रू ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आए हैं, जैसे कि कॉस्मिक डस्ट हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया, उसके थ्रू। इट इज़ अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस परपसिंग दैट लाइफ एग्जिस्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस माना गया। इस थ्योरी का मेन पर्पस क्या था कि लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है थ्रू आउट यूनिवर्स एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्पेस, और इस तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो पैनस्पर्मिया मीन्स क्या होता है, सीड्स एवरीवेयर। तो ये टीचर ने कहा कि चारों तरफ सीड्स फैले और उसी से लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है, और ये इस सीड्स क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइफ का, जो कि अर्थ पर किसके थ्रू आए हैं, तो कॉस्मिक डस्ट और मेटेरॉइड्स के थ्रू आए हैं।
स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किनके द्वारा किया गया, तो अरहेनियस के द्वारा। ये हो गया आपका सेकंड थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब आइए थर्ड थ्योरी, तीसरा थ्योरी क्या है आपका, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म प्रपोज्ड बाय जॉर्ज कुवियर, जिन्हें हम फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अर्थ जियोलॉजिकल फीचर्स एंड बायोलॉजिकल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम सडन एंड शॉर्ट लिव्ड कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स मीन्स क्या होता है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होते हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, तो उसके द्वारा जो है आपका मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, बाकी जो पॉपुलेशन बच जाते हैं थोड़े बहुत, वो फिर से रिपॉपुलेट करके अपने लाइफ को एक्सटेंड करते हैं अर्थ पे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अर्थ जियोलॉजिकल फीचर्स एंड बायोलॉजिकल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम सडन एंड शॉर्ट लिव्ड कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। और ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स दैट इज एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एट्सेट्रा। ठीक है, कैटास्ट्रोफ्स रिमूव मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स रीपॉपुलेटेड टू एक्सपेंड लाइफ ऑन अर्थ। तो कैटास्ट्रोफ ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को रिमूव कर देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिपॉपुलेट करके लाइफ को एक्सपेंड करते हैं इस अर्थ पे। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में यही बोला गया, अर्थ जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री हैज़ बीन शेप्ड बाय कैटास्ट्रोफिक एक्सटिंक्शंस एंड न्यू क्रिएशंस। जो अर्थ का जियोलॉजी है और नेचुरल हिस्ट्री है, वो इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट के थ्रू एक्सटिंक्ट होते हैं और फिर से न्यू क्रिएशन होता है। यहाँ देखिए छोटा सा इमोजी के फॉर्म में मैंने समझाया है आपको, ताकि अच्छे से डायग्राम से आप और अच्छे से समझिए। कैटास्ट्रोफ्स डिस्ट्रॉय लाइफ एंड क्रिएशन क्रिएट लाइफ। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है लाइफ और यहाँ से फिर से लाइफ का क्रिएशन होता है। ये हो गया क्या आपका थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। फोर्थ थ्योरी है आपका यूनिफॉर्मेशन थ्योरी और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, किनके द्वारा दिया गया था, तो गिवन बाय जेम्स हटन एंड सपोर्टेड बाय चार्ल्स लिल। तो जेम्स हटन ने इस थ्योरी को दिया था और सपोर्ट किनके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स लिल के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अर्थ इज नॉट स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक नहीं है, इट वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कैटास्ट्रोफ्स एंड ग्रेजुअल स्लो चेंजेस। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले थ्योरी में देखा था, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है किसके द्वारा, कैटास्ट्रोफ्स और ग्रेजुअल स्लो चेंजेस के थ्रू। चार्ल्स लिल सपोर्ट्स हटन्स थ्योरी। तो चार्ल्स लिल ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू देम प्रोसेसेस दैट अल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द टाइम। इन्होंने बोला कि ठीक है अर्थ स्टैटिक नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेसेस हैं वो अर्थ को अल्टर कर रहे हैं, और जो कि थ्रू आउट द टाइम यूनिफॉर्म है, ऐसा कोई चेंजेस, कोई अडेप्टेशन, कोई अल्टरेशन नहीं देखा गया, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म, इसी वजह से यूनिफॉर्म इन्होंने बताया, इसी वजह से इस थ्योरी का नाम क्या बोला गया, यूनिफॉर्मेशन थ्योरी और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। उसके बाद आया आपका थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑल्सो नोन एज ऑटोजेनेसिस। ऑटो मीन्स सेल्फ और जेनेसिस मीन्स जनरेशन, मीन्स सेल्फ जनरेटेड इसको बोला गया। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट इस तरह के थ्योरी दिए थे, बहुत से एग्जाम्पल भी आए, उसमें कुछ मेन है जैसे कि एरिस्टोटल हो गए, निधम हो गए, और मेनी मोर साइंटिस्ट बिलीव दैट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर जनरेटेड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। इन सारे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पॉन्टेनियस उनका जनरेशन हुआ, किसके थ्रू, तो जो डिकेइंग नॉन लिविंग सब्सटेंसेज हैं उनके थ्रू, दैट इज जनरेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। दीज साइंटिस्ट गेव सम एग्जाम्पल्स विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंसेज। इन साइंटिस्ट ने कुछ एग्जाम्पल दिए, लेकिन उस एग्जाम्पल्स का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, जैसे कि माइस स्पॉन्टेनियसली अपीयर्ड इन स्टोर्ड ग्रेन। चूहा, जो आपका गोडाउन में गेहूं पड़े होते हैं, कुछ भी जो ग्रेन पड़े होते हैं, वहां से चूहे का स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ। मड्डी सॉइल, जो कीचड़ वाली मिट्टी होते हैं, वहां से आपको मेढक का जनरेशन हो गया, मड्डी सॉइल्स गेव राइज टू फ्रॉग्स। मटन के दुकान पे आपने देखा होगा फ्लाइज, बहुत सारे मैगट्स जो है वो मंडराते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैगट्स का जनरेशन वहाँ से हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, यहाँ तो मैंने सिर्फ दो एग्जांपल डिस्कस किया है, तो जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर इनको रिजेक्ट करने के लिए कौन कौन आए, इनको रिजेक्ट करने के लिए तीन साइंटिस्ट आए, फ्रांसिस्को रड्डी, लेजारो स्प्लेंजनी एंड लुइस पाश्चर। इन तीनों ने क्या किया, तो दे परफॉर्म प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स टू रिजेक्ट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लिविंग थिंग्स केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं आ सकता है।
दे फाइनली कन्विंस्ड दैट लिविंग थिंग्स कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स। फाइनली कन्विंस्ड इन्होंने कर लिया कि लिविंग थिंग्स केवल प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स से ही आ सकता है, नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग थिंग्स। लिविंग कम्स फ्रॉम लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद वाले मतलब सेकंड पार्ट में हम थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो पार्ट टू होगा उसमें हम इन तीनों साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने रिजेक्ट थ्योरी कर दिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। इस तरह से वन बाई वन थ्योरी मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। बच्चों आप अगर सम अप करिएगा तो मात्र दो पेज में ये सारे थ्योरी आसानी से आपके नोट्स जो भी जहाँ भी आप नोट बना रहे होंगे नोटबुक में आराम से आ जाएगा। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा और किस हद तक ये हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मुझे पता है कि 2024 में आपको सितंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है UPSC CSE का और नवंबर में होने वाला है IFS का, तो मैं कोशिश करूँगी कि तब तक आपका 70-80% सिलेबस कवर हो जाए। अभी तो मैंने पेपर टू स्टार्ट किया है इवोल्यूशन यूनिट 3 के नाम से। बाकी अगर आपको ऐसा कोई नीड लगे कि पेपर 1 भी स्टार्ट करना चाहिए तो मैं पैरेलल में स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।